हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम देख रहे थे हम लोग इस चैप्टर में, और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11.8 तक करा था हमने। अब एक क्वेश्चन नंबर 11.9 जो चैप्टर कराते वक्त और अभी भी हम कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ना आए हो ही नहीं सकता है, आएगा कोई भी एग्ज़ाम। कह रहा है राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। दो रिएक्शन दिए हुए हैं, ये दोनों में कौन कौन सा इक्वेशन शामिल होगा, मतलब इसके लिए इक्वेशन लिखना रिएक्शन के लिए। सबसे पहला है रीमर टीमेन रिएक्शन, रीमर टीमेन रिएक्शन, और दूसरा है कॉप्स रिएक्शन। पहले इसे कर लें, लिखना तो केवल इक्वेशन ही है लेकिन हम लोग लैंग्वेज लिख लें फिर समझ में आएगा। क्या था भाई रिएक्शन? कि द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस या अल्कोहलिक हम लोग लेकर के चलते थे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस या अल्कोहलिक KOH या फिर NaOH टू फॉर्म salicylaldehyde इज नोन एज रीमर टीमेन रिएक्शन। क्या है? द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस या अल्कोहलिक KOH NaOH टू फॉर्म सेलिसाइलल्डिहाइड इज नोन एज रीमर टीमेन रिएक्शन। यह स्टेटमेंट है, तुम्हें स्टेटमेंट नहीं पूछा था, इक्वेशन पूछा था। अब देखो इस इक्वेशन को तुम दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो डायरेक्टली जो लिखे है उसी को यहाँ इक्वेशन का फॉर्म दे दो, कि आप फिनॉल ले लो, रिएक्शन करवा दो क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH या KOH जो भी है, हीट वगैरह कर दो, सेलिसाइलल्डिहाइड बनाना है बना दो, ऑर्थो पे CHO सेलिसाइलल्डिहाइड। लेकिन इतना से काम ही चलेगा, ये इक्वेशन जो है ठगने वाला इक्वेशन हो गया। इतना लिख करके आप सोचोगे कि फुल मार्क्स मिले, इसमें नहीं मिलेगा, है ना। थोड़ा सा इलाबोरेट करना होगा क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ, यदि एग्जाम में नोट्स लिखने आता कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रीमर टीमेन रिएक्शन, देन ठीक है, लैंग्वेज इतना चलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल आपसे पूछा है कि आप इक्वेशन ही लिखो, इस रिएक्शन में जो इक्वेशन इन्वॉल्व्ड है आप उसे लिखो केवल, बस लैंग्वेज हम नहीं पूछ रहे हैं, लैंग्वेज नहीं लिखना है इसमें, क्वेश्चन के अनुसार हम तो लिख दिए ताकि इक्वेशन लिखने में आसान हो। तो यदि केवल इक्वेशन लिखने बोला जाए ना, तो फिर कहने का मतलब कि उसका मैकेनिज्म, कहने का मतलब हो गया उसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में हम लोग देखे हुए हैं क्या क्या होता है इसमें। सो सबसे पहला बात यह है बेस, ठीक है, ये दो काम करने वाला है, एक फिनॉल के साथ भी और एक यहाँ भी। सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म का ही जिक्र कर लें। क्लोरोफॉर्म में हम जान रहे हैं कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन एटम्स लगे हैं, ये तीनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, कार्बन बदले में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा, तो यह कार्बन आयन टाइप का कुछ बनेगा। अब इसके लिए फिर यहाँ से क्लोरीन भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं ताकि कार्बन का चार्ज यहाँ से हट जाए, और ऐसे करके कुछ बनेगा यहाँ जिसे हम डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि रीमर टीमेन रिएक्शन के दरमियान जो है क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बिन, क्या बनता है? कार्बिन। और हम जानते हैं कि कार्बिन जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का सब्सटेंस है। कार्बिन किस नेचर का सब्सटेंस है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का सब्सटेंस है या इलेक्ट्रोफाइल है कार्बिन। कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इधर तो टोटल तो छः ही है ना,
ऑक्टेट नहीं पूरा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये अभी भी, तो डाइक्लोरोकार्बिन तक बना करके छोड़ो पहले। उसके बाद अब चूँकि रिएक्शन मीडियम में ये तीन चीज़ एक साथ हैं, तो बेस क्लोरोफॉर्म का क्या हल करेगा वो तो देख लिए हम कि क्लोरोफॉर्म में से हाइड्रोजन क्लोरीन को हटवाएगा, अल्फा एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रोक्लोरीनेशन होगा और कार्बिन बनेगा। अब इसी बर्तन में फिनॉल भी रहेगा, तो ये बेस फिनॉल का क्या हासिल करेगा, या जो बेस है वह फिनॉल का क्या हासिल करेगा, तो करेगा फिनॉल एसिडिक नेचर का है, फिनॉल एसिडिक नेचर का है और यहाँ बेस प्रेजेंट है तो एसिड बेस का रिएक्शन होकर के सॉल्ट वाटर बनेगा और क्या, यहाँ से H2O बाहर होएगा और सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ऐसा है, O पे यहाँ आ जाएगा माइनस, बगल में सपोर्ट करेगा K प्लस, वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा। और अब जो यह सिस्टम है यह हो गया एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब जा करके ये कंबाइन करता है किससे, ये डाइक्लोरोकार्बिन से, बड़ा सिंपल सा चीज़ है ऐसे। ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, समझ ही रहे हो, बेंजीन न्यूक्लियस से, बेंजीन उसे देगा इलेक्ट्रॉन, कैसे देगा, तो ई अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देगा, नेगेटिव चार्ज है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और तब यहाँ से यह अपना पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ देगा और यही लेन देन चलते रहेगा ऐसा। डबल बॉन्ड ओ, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन पहले से है और ये हो गया अब CCl2, एक लोन पेयर बचा है। अब देखोगे तो इस कार्बन के पास आई थिंक माइनस आ जाएगा ना, है इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, लेकिन अब 5 हो जाएगा, 1, 2, 3 और इधर 5, इस पर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से अब काउंटर आयन के प्लस आ जाएगा इसके पास ऐसा। अब इसको तुम करना चाहो तो यहाँ से बात आसान है, बेंजीन का एरोमेटिसिटी गेन करवाने के लिए जो है इसे यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको वापस ऑक्सीजन को भेजो, तो अब ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये जो है सो इस H को ले लेगा, तो अभी कुछ बन गया ऐसा, O पे माइनस वापस आ गया, काउंटर आयन अगेन K प्लस चला गया और अभी हो गया CHCl2 ऐसा हो गया। बेंजीन वाला जो हाइड्रोजन था ना वो कार्बन के पास गया, क्यों इसको यहाँ करवाए हम लोग, एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए। और अब यहाँ से 2 मोल KOH करवा दो, ये दोनों का रिप्लेसमेंट हो जाएगा OH के द्वारा, इन दोनों का O माइनस के प्लस CH और ये दोनों के दोनों OH। अब एक कार्बन पे 2 OH वाले स्पीसीज तो अस्टेबल होते नहीं हैं, हम तो जानते हैं, तो यहाँ से ये इस जगह पे आ जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा, ओवरऑल यहाँ से H2O निकलने वाला है बाहर और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड OH। लास्ट में इसका एसिडिफिकेशन कर दो HCl के साथ, तो ये H प्लस जा करके जुड़ जाएगा O माइनस में। अब देखो यहाँ से फाइनल चीज़ बन गया, OH बन गया, यहाँ CHO बन गया, KCl यहाँ से बाहर, दिस इज द सैलिसाइलिटी है। तो यदि केवल इक्वेशन पूछा है ना तो आई थिंक तुम ऐसे लिखोगे तो बड़ा बेहतर होगा, बड़ा बेहतर होगा ऐसे। और कहोगे कि नहीं इतना लंबा कैसे लिखें, थोड़ा और शॉर्ट करके लिखते, तो फिर उसके लिए यदि इसी को शॉर्ट में लिखना चाहो कि इतना बड़ा मैकेनिज्म हम नहीं लिखेंगे, तो एक तरीका है कि इसको शॉर्ट में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऐसे है। नोट्स लिखने आया तो फिर ये वाला काम करोगे, केवल इक्वेशन पूछा तो ऐसे करोगे, और ये यदि लेंदी लग रहा है तुम्हें कि इतना मैकेनिज्म कौन ध्यान में रखने वाला है, तो ठीक है, एक और उपाय है, तो फिर आप ये वाला इक्वेशन लिख दो जो अभी बता रहे हो। एक इक्वेशन लिख सकते हो,
ये फिनॉल है, सबसे पहले एरो पे लिख लेना क्लोरोफॉर्म और KOH एनीवे जो भी रहेगा। हम देख रहे थे ना सबसे पहले फिनॉक्साइड वगैरह बन रहा था, तो पहले फिनॉक्साइड बना दोगे यहाँ O माइनस K प्लस, और इसके ऑर्थो पर देखो डायरेक्ट यहाँ से लेकर के आओ, इस चीज़ को लिख दो डायरेक्ट, उतना अटैक उटैक नहीं दिखाओगे, डायरेक्ट इसको लिखो। यहाँ आ गया CHCl2 है ना, उसके बाद फिर KOH वाला बात लिखना होगा, दो मोल लिखो चाहे नहीं, KOH तो यहाँ लिखना होगा, तो ई देने से डायरेक्ट बदल जाता है CHO में, वहाँ दो OH करके दिखाना नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखो। इसी में मतलब इसको छोटा कर दे रहे हैं हम, कितना से भी काम चलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा O माइनस K प्लस और यहाँ कर देना CHO, और लास्ट में एसिडिफिकेशन वाला बात ज़रूर दिखाना है HCl वाला, ठीक है। ऐसे भी काम चलेगा, इतना से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OH और यहाँ CHO, एक दो तीन चार, यहाँ उसके दोगुना था, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक उधर था आठ, आधा कर दिए छाट छाट करके। फिनॉक्साइड डायरेक्ट बना दिए, अब फिनॉक्साइड डाइक्लोरोकार्बिन से यहाँ तक बन रहा था, इसको बना दिए, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करके ये बन रहा था, इसको बना दिए, लास्ट में एसिडिफिकेशन करवा दिए। तो यहाँ से भी काम चल जाएगा, इतना भी लिख देते हो इक्वेशन के रूप में तो बहुत, ठीक है। ऐसे ही एक रिएक्शन और है, कॉब्स रिएक्शन, रीमर टीमेन और ये कॉब्स दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, किसी ना किसी रूप से तो क्वेश्चन आता है भाई, ऑब्जेक्टिव आए सब्जेक्टिव आए शॉर्ट नोट्स लिखने आए आएगा, किसी ना किसी रूप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ना आने की तो सोचो भी मत, आना ही है। तो नेक्स्ट सेकेंड नंबर इसी का 11.9 का ही सेकेंड नंबर है, कॉब्स रिएक्शन। क्या था यह रिएक्शन, कॉब्स रिएक्शन? The reaction of phenol, एक शॉर्ट नोट्स कैसे लिखा जाएगा वो हम बता रहे हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ड्राई आइस, ड्राई आइस बेसिकली यहाँ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ड्राई आइस इन द प्रजेंस ऑफ एक्वस KOH और NaOH एट अबाउट टेम्परेचर 125 के आसपास लेते हैं, अंडर 6-10 ATM प्रेशर फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन टू गिव सेलिसाइलिक एसिड इज नोन एज कॉब्स रिएक्शन। क्या इतना से काम चल जाएगा? शॉर्ट नोट्स के लिए लैंग्वेज को जरा ध्यान में रखना होता है। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ड्राई आइस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH और NaOH एट अबाउट 125 डिग्री सेल्सियस अंडर 6-10 ATM प्रेशर फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन टू गिव सेलिसाइलिक एसिड इज नोन एज कॉब्स रिएक्शन। बड़ा सा इक्वेशन लिखोगे इसका, तो शॉर्ट नोट्स के लिए जो इक्वेशन होगा वो हम बता रहे हैं। यहाँ फिनॉल दोगे, यहाँ आप लिखोगे CO2, NaOH या KOH कुछ लिख दोगे, जैसा बोला गया है यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर लिख देना 125 डिग्री सेल्सियस 6-10 ATM। एसिडिफिकेशन की भी बात कराई इन्होंने, तो यहाँ HCl वगैरह भी लिख दोगे बस, और डायरेक्ट सेलिसाइलिक एसिड बना देना OH और COOH सेलिसाइलिक एसिड।
ये तब जब शॉर्ट नोट्स लिखना हो। इस क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स की बात नहीं की है इसने, बस इक्वेशन का बात किया है। तो इक्वेशन का बात किया है तो क्या लिखोगे भाई इक्वेशन में? तो फिर से वही बात है कि तीन चीज़ कंटेनर में होगा, फिनॉल होगा, CO2 होगा, NaOH होगा। अब NaOH या CO2 को तो उतना प्रभावित नहीं करेगा, फिनॉल को करेगा। फिनॉल को प्रभावित करेगा, फिनॉल एसिडिक नेचर का है, वह बेस है, तो फिनॉक्साइड बनेगा। और क्या, ऐसे यहाँ से यदि आप एक्वस NaOH या KOH लेते हो तो फिर ऐसा कुछ बन जाएगा, ओ पे माइनस NA प्लस, और यहाँ से बाहर होगा H2O। अब आ करके यहाँ काम होगा CO2 का, लीनियर शेप है। CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, या पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जैसे ही पाई को विड्रॉ करेगा, कार्बन का 4 बॉन्ड में से 3 बचेगा, मतलब प्लस आएगा, मतलब यह इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सेम टाइम ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को, और बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को। बस यही कहानी तो होना था। तो ये कुछ अब ऐसा, सॉरी यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ एक हाइड्रोजन था, और ए अब जुड़ गया सी डबल बॉन्ड ओ और ओ। तो अब यहाँ ओ पे माइनस आ जाएगा एक पे, एक तो नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। तो यहीं अब काउंटर आयन आ जाएगा NA प्लस, ऐसा। उसके बाद फिर से बेंजीन का एरोमेटिसिटी वापस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो अभी इस H प्लस को ये ले लेगा, तो अभी कुछ ऐसा होना है, ये वापस O माइनस, यहाँ NA प्लस है, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये OH हो जाएगा। अब हाइड्रोजन चला गया यहाँ OH। अब इसका एसिडिफिकेशन करवा दो, H प्लस Cl माइनस आकर के H प्लस को ले लेगा, तो ये OH हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O और OH यहाँ से बाहर हो गया NaCl, बन गया सिलिसालिक एसिड। तो केवल इक्वेशन लिखने का मतलब वही बोले कि आप मैकेनिज्म की तरफ जाओगे, जरूर जाओगे तब, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दो बात ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है, एक तो कि रीमर टीमेन रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बीन। और एक यहाँ से भी पूछ सकता है कि कॉप्स रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल CO2 है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज द इलेक्ट्रोफाइल। जब ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें अलग अलग एटम के बीच पाई बॉन्ड हो, तो वह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसके अतिरिक्त जब चैप्टर कर रहे थे वहाँ तो देखे थे भाई कि यह सेलिसाइलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि सेलिसाइलिक एसिड को हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। इससे हम एस्पिरिन बनाते हैं, इससे हम वाइल ऑफ विंटर ग्रीन का जो कंस्टिट्यूएंट है उसका फॉर्मेशन करते हैं, इससे हम सेलॉल बनाते हैं। ये सब चीज़ चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सेलिसाइलिक एसिड जो है इंडस्ट्रियली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज काफ़ी है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसलिए किसी ना किसी रूप में जो है ना क्वेश्चन इस टॉपिक से होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स आया ऐसे इक्वेशन की बात की, या फिर ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड कुछ पूछ दिया, तो कहीं ना कहीं से जो है क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा, तो उसको करना है। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग बात करें, एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की, जो कि विलियमसन सिंथेसिस और उससे रिलेटेड है। अल्कोहल वाले चैप्टर से डिहाइड्रेशन का टॉपिक, फिनॉल वाले चैप्टर से
जो नेम रिएक्शन है वो टॉपिक, जैसे ये कॉप श्रीमर डीमन, और ईथर वाले चैप्टर से दो टॉपिक, एक विलियमसन सिंथेसिस और दूसरा ईथर का रिएक्शन जब हम लोग करवाते थे किससे, हैलोजन एसिड से, बेसिकली HI लेकर के, वो वाला टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। ईथर से यही दो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। तो उन दो टॉपिक्स को जरा हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा, विलियमसन सिंथेसिस में जो है हमने क्या पढ़ा था कि कोई अल्कली मेटल अल्कोक्साइड होता है जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका रिएक्शन यहाँ कोई हेलाइट से होता है या कोई लिविंग ग्रुप होगा, कोई हेलाइट, तो समवाट यहाँ कोई SN2 टाइप का रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये RO यहाँ R- कर दो, R- ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस KX ऐसा। ये था बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस में। अब इसमें से हम लोग को बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ध्यान रखना होता था कि यहाँ जो R- है वह R- की जगह आप मिथाइल ले सकते हो, इसके जगह आप 1 डिग्री अल्काइल ले सकते हो, इसके जगह आप एलाइल ले सकते हो, और इसके जगह आप बेंजाइल ले सकते हो, ये तीन चार। R- के जगह आप कभी भी 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल नहीं लोगे, इसके जगह कभी भी विनाइल और एराइल ग्रुप नहीं लोगे, ये नहीं होने चाहिए और ये होने चाहिए। और यहाँ था कि इसमें बिंदा से कुछ भी ले लो, इतना में से कुछ भी ले लो सब चलेगा। वजह भी इसका हम पढ़े हुए थे कि R- में 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल एराइल एराइल क्यों नहीं लेना है, भाई ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो न्यूक्लियोफाइल के अलावा ये बेस का भी काम कर लेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम कब करेगा, जब ये कार्बन को अटैक करेगा। बेस का काम कब करेगा, जब ये हाइड्रोजन को अटैक करेगा। किसे अटैक करेगा हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले ये प्रीफर कार्बन को ही करेगा, यदि कार्बन तक पहुंच पाया तो कार्बन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ईथर बनेगा। लेकिन यदि कार्बन तक नहीं पहुंच पाया, अब कार्बन तक क्यों नहीं पहुंचेगा, क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। अब यदि ये कार्बन तक नहीं पहुंच पाया तो फिर ये हाइड्रोजन को लेगा, और जब हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में कुछ अल्किन वगैरह टाइप का बनेगा, ठीक। अब कार्बन तक कब ये पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा, एक बात सर हम लोग उसको डील कर लें। मान लो कि एक हेलाइड ऐसा है CH3C है, और एक हेलाइड ऐसा है ऐसा, और यहाँ तुम ले करके रखे हो इथॉक्साइड, ठीक। ये यहाँ से बाहर होएगा, अटैक करेगा, चूँकि SN2 अटैक होता है ना, इसको याद रखो, SN2 अटैक होता है। अब SN2 अटैक होता है तो फिर यहाँ पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा, हिंड्रेंस इसको नहीं चाहिए, बस SN2 में हिंड्रेंस तो चाहिए नहीं है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब ज़रा सोचो कि वही वाला सिस्टम जब यहाँ आएगा तो यहाँ तो ये टर्शियरी है, अगल बगल बल्की ग्रुप है, ये कार्बन तक इसको पहुँचने ही नहीं देंगे, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये माइनस वाला को ये थोड़े मतलब है कि हम कार्बन पे अटैक करें कि हाइड्रोजन पे करें, जहाँ आसान है वहाँ अटैक करेगा, हाँ जहाँ आसान है इसके लिए पहुँच पाना ये वहाँ पहुँचेगा, ये बिल्कुल भी नहीं देखेगा कि कौन सा चीज़ हमको मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है कि हाइड्रोजन मिल रहा है। यहाँ कार्बन था, पहुँच पाना आसान, डायरेक्ट चला गया। अब यहाँ देख रहा है कि कार्बन के पास जाने से हमको ये सब रोक रहा है, नहीं जाएगा कार्बन के पास, क्या करेगा, यही सब जो रोक रहा है उसी का हाइड्रोजन ले लेगा, लो एक हाइड्रोजन अलग, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, और अभी इसको ले लेगा, किनारे में एकदम, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ आसानी से ले लेगा, और ये अल्किन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 अल्किन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन को ले रहा है तो इस केस में यह बेस बन गया, कार्बन पे अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे अटैक तब करेगा जब इसको कोई रोकने वाला ना हो, हिंडरेंस कम हो, और यदि यहाँ ऐसे करके हिंडरेंस आ जाए तो फिर नहीं जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन ही को लेगा, अल्किन बन जाएगा। इसलिए बोले कि 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं लोगे, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री लेने से क्या बनता है, अल्किन बनता है। विनाइल और एराइल क्यों नहीं लेंगे, काहे लेंगे, हैं, यदि तुम विनाइल लेते हो तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा ना, और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये जो हैलोजन का बॉन्ड तोड़ करके हटा रहे हो बड़ा आसानी से हटेगा,
नहीं हटेगा। और वही बात एराइल में भी होगा, वही बात एराइल में भी होगा कि यहाँ भी यदि क्लोरीन वगैरह लेते हो, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा तो टूटेगा नहीं, तो कैसे रिएक्शन करवाओगे हैं। यहाँ कोई अल्कोक्साइड ले भी लिए, ये हटाए यहाँ ऐसे, तो विलियमसन सिंथेसिस याद रखोगे कि विलियमसन सिंथेसिस में जो हेलाइड वाला पोर्शन होता है भाई, उसके लिमिटेशन है वहाँ, कि वहाँ आप मिथाइल लो, 1 डिग्री अल्काइल लो, एलाइल लो, बेंजाइल लो, ये चार चीज़। यहाँ आप 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल नहीं ले सकते हो, विनाइल एराइल कब भी नहीं ले सकते हो, ये दोनों नहीं लोगे क्योंकि अल्किन बन जाएगा, और ये दोनों लेने से कुछ भी नहीं बनेगा, है ना, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। और यहाँ तो आप फ्री हो, कुछ भी ले लो, बस ये वाला बात थोड़ा ध्यान में रखोगे। इसके आधार पर हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे का क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो दो बात हम बताए इसको आप ध्यान में रखोगे विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं लेक्चर को, फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।